हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद ओरियो में आपका स्वागत है। आज हम रेड डाटा बुक के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? दरअसल IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसमें हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे जीव जंतु और पक्षियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। इस किताब को 1948 में प्रकाशित किया गया था, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुके सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस रेड डाटा बुक में कुछ पेज होते हैं जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज के जीव जंतुओं के हिसाब से बांटा गया है। ग्रीन पेज, इस पेज पर जीव जंतु या पक्षियों की ऐसी प्रजाति का नाम लिखा जाता है जिसको फिलहाल कोई खतरा नहीं है। जी हाँ। दूसरा पेज है पिंक पेज। पिंक पेज, इस पेज में जीव जंतु पक्षियों की ऐसी प्रजाति का नाम लिखा जाता है जो कि खतरे में है, जिसे धीरे धीरे विलुप्त होता देखा जा रहा है। रेड पेज, इस पेज पर पक्षी या जीव जंतुओं के ऐसे प्रजाति के नाम लिखे जाते हैं जो कि बहुत कम बचे हैं या फिर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है जो कि अलग अलग जीव जंतुओं के लिए तथा पशु पक्षियों के लिए अलग अलग है। फर्स्ट बुक, पहली बुक जीवधारियों को मैमल्स को रखा गया और स्तनधारी प्राणी जगत के वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूसरी बुक में पक्षियों को रखा गया और पक्षी जगत का एक ऐसा समूह जो हवा में उड़ सकता है। तीसरी बुक मरुस्थली उभयचर, इस किताब में उनको रखा गया जो कि मरुस्थल में पाए जाते हैं। चौथी बुक में मछलियों को रखा गया, जीव जंतुओं का ऐसा समूह जो पानी में पाए जाते हैं। पांचवी बुक में पौधे वनस्पतियों को रखा गया और जैसे कि पेड़ पौधे इत्यादि। दोस्तों, रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय प्राणी, मतलब जो अब बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, वो प्राणी इस प्रकार से हैं। पहला है डोडो। डोडो एक पक्षी था। डोडो हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था। यह पक्षी वर्ग में होते हुए भी थलचर था। जी हाँ, क्योंकि इनमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। 17वीं सदी के अंत तक यह पक्षी मानव द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हो गया। अगला विलुप्त प्राय प्राणी है डायनासोर। ये सरीसृप था और इसका यूनानी में अर्थ होता है बड़ी छिपकली। जी हाँ, लगभग 16 करोड़ वर्ष तक डायनासोर पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थली कशेरुकी जीव थे। ये ट्रायसिक काल के अंत से लेकर क्रिटेशियर काल के अंत तक अस्तित्व में रहे, के फलस्वरूप ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। अगला विलुप्त प्राय प्राणी है ब्लू बक। ब्लू बक, अफ्रीकी ब्लू बॉक या नीला मृग की विलुप्त प्रजाति है जो दक्षिण अफ्रीका में 1800 के दशक तक रहता था। अगला विलुप्त प्राय प्राणी है तस्मानिया टाइगर या थाइलेसीन। थाइलेसीन आधुनिक युग का सबसे ज्ञात मांसाहारी प्राणी था। इसे अपनी पीठ की धारियों के कारण तस्मानियाई शेर भी कहा जाता था। लोग इसे तस्मानियाई भेड़िया भी बुलाते थे। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि तस्मानिया द्वीप और न्यू गिनी का निवासी था, लेकिन माना जाता है कि यह 20वीं सदी में विलुप्त हो गया। रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय प्राणियों के कुछ प्रकार होते हैं जो इस प्रकार से है। पहली कैटेगरी है विलुप्त या एक्सटिंक्ट या EXA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जिनकी जाति का कोई भी सदस्य अब जीवित नहीं बचा है। दूसरी कैटेगरी है वन विलुप्त, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या EW। जी, इसके अंतर्गत वो जीवधारी आते हैं जो अब वनों से पूर्णतः खत्म हो चुके हैं और इनके जो सदस्य बचे हैं वो अब चिड़ियाघर में हैं। और संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या CR, इसके अंतर्गत ऐसे प्राणी आते हैं जिनका वनों से विलुप्त होने का बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है। अगला है संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड या EN, इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं जिनका वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। असुरक्षित, वल्नरेबल या VU से इसे रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके अंतर्गत जीवधारी या प्राणियों को रखा गया है जो कि वनों से संकटग्रस्त हो सकते हैं। इसकी केवल संभावना होती है। अगला है संकट निकट, नियर, थ्रेटन्ड या एंटी। इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी या प्राणियों को रखा जाता है भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना प्रकट करते हैं। अगली कैटेगरी है संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न या LC। इसके अंतर्गत ऐसे जीवधारी तथा प्राणी आते हैं जिन पर बहुत कम खतरा है। बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में ये जीव जंतु पाए जाते हैं। अगली कैटेगरी है आंकड़ों का अभाव, डाटा डेफिशिएंट या DD। इसके अंतर्गत प्राणियों की जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसके संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और अंतिम कैटेगरी है अनाकलित, नॉट इवैल्यूएटेड या NE। इसके अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा जाता है जिसका आकलन अभी किया जाना संभव नहीं है। परंतु दोस्तों, सोचने की बात ये है कि रेड डाटा बुक क्यों प्रकाशित की गई, क्योंकि इससे यह पता लग सके कि किस जीव जंतु की आयु सीमा कितनी है और उसकी मौत किस वजह से हुई है, ताकि भविष्य में बचे हुए जीव जंतुओं या वनस्पतियों की सुरक्षा की जा सके। इससे हमें सही आंकड़े का पता चलता है कि कौन से जीव जंतु अभी इस दुनिया में कितने बचे हैं और कौन से विलुप्त होने वाले हैं, ताकि हम लोगों में जागरूकता फैलाकर बचे हुए जीव जंतुओं को सुरक्षित रख सकें। अगर हमारी पृथ्वी से कोई भी एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो इसका असर पूरे पर्यावरण पर देखने को मिलता है। हमारा इकोसिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन सारे जीवों को बचाकर रखना जरूरी है। अगर कोई जीव जंतु या वनस्पति पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर आ गए हो तो इसे समय रहते ही बचाया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई रेड डाटा बुक की जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इससे आपको काफी मदद भी मिलेगी। अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम रेड डाटा बुक के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसमें हम भारत के विलुप्त प्राय प्रजाति या विलुप्त हो रही प्रजाति के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो में जरूर आएं। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।